अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अम्मी हलीमा की छत पे। जी सफाई हो रही है ग्रिलों की, ये देखिए मैं कर रही हूँ। मिट्टी पड़ जाती है, गंद हो जाता है। वह देखो जी सारी झाड़ू मार के, ये देखें कितनी कितनी मिट्टी। तो बस मैंने कहा आज सुबह सुबह उठ के ये काम किया जाए। तो बस काम करना चाहिए, बंदा फिट रहता है, एक्टिव रहता है, हेल्थी रहता है, बीमारियों से बचा रहता है। बाकी अल्लाह ताला हर किस्म की जानी माली परेशानी से, वबा से, मुसीबत से, तकलीफ़ से, मोहताजी से अल्लाह जो है हम सबको महफूज रखे इंशाल्लाह ताला। छत पे आए हैं, सफाई हो रही है, धुंध देखें कितनी है। खैर से धुंध निकली हुई है, धुंध पड़ी है कि निकली है। मैंने कहा आपके साथ ये शेयर करती हूँ। सुबह का आगाज़ किया झाड़ू के साथ, सफाई के साथ। और इधर झाड़ू देखे कितनी मिट्टी है। जड़ा थले लूँगेगा ना, उन्हें मैनू चीखना मेरे कि तू की करती पही हैं, तू की रोला पाया है, मिट्टी खला लन रही है। पर सफाई भी तो करनी है ना, हूँ की करिए। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अम्मी हलीमा का किचन, अम्मी हलीमा का हाउस। छत पे भी कपड़े, नीचे भी कपड़े, बस कपड़े कपड़े। और देखें जी हम आगे थे वापस लाहौर से, और ये नेक्स्ट डे है। की है घर की सफाई धुलाई माशाल्लाह से, और घर रहा है, घर लश्कारे मार रहा है, चमक रहा है। धूप निकल आई है, सुबह बहुत धुंध थी, पर अब जो है सुबह मौसम जो था अबर लू था, अब साफ हो गया है। और किचन में आपको दिखाते हैं, ये देखें जी आज आ रहे हैं मेहमान। अरे ना जी बना रही हैं सलाद, और क्या क्या है जी, फिश लेकर आई हैं, देखो जी फिश। और मैंने काट दिए हैं प्याज, सलाद का सामान, कितना खूबसूरत टमाटर, धनिया है। और इसके अलावा है देखो जी पकेगी आज मुर्गी मुसल्लम, फिश सालन बनेगा, जिसकी रेसिपी मैं इंशाल्लाह करूँगी अपलोड जब बनाऊँगी। और ऐ देखो जी हमारा चुकंदर सुकंदर, रात को आई थी मूंगफली, ऐ आई सी आधा किलो, तो मेरे ख्याल से हूँ रहेगी जी हैंडफुल, जो कि मैंने और अलीना जी ने माशाल्लाह खूब खाई है खूब। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू अम्मी हलीमा का किचन। मैं बनाने जा रही हूँ आज वाइट दही वाला चिकन। और ठहरे जरा मैं अपनी इंग्रेडिएंट्स सामने ले आऊँ। हमने लिया है आधा कप दही का, आधे कप दही में हम शामिल करेंगे स्पाइसेस। तो जी पहले हम लेंगे काली मिर्च, जो कि हमने डालनी है हाफ टी स्पून काली मिर्च। इसमें हम रेड चिली जो पाउडर है वो नहीं डालेंगे। मसाला जो है हम हल्के फुलके रखेंगे, ये क्योंकि दही वाला चिकन है। 1 टीस्पून जो है सूखे धनिए का। और इसके बाद जी हम डालेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून सॉल्ट, अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट जो है आप इसमें जो है सॉल्ट डाल सकते हैं। और हल्दी जाएगी इसके अंदर, क्योंकि हल्दी से सेहत के लिए अच्छी है। कई ताड़ियाँ बीमारियाँ को है, ये कैमरे नु की हो गया है, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है जी कैमरा भी, इन भी पता नहीं कड़ा मसा दरपेश है। हल्दी भी हम डालेंगे 1 टीस्पून, ये देखिए डल गई। और रेड फ्लेक चिली पाउडर जो है वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे। हमने रेड फ्लेक चिली पाउडर कह रही हैं जी, रेड फ्लेक चिली ओनली, नॉट पाउडर। 1 टीस्पून जो है हम, ये देखे ऐ हो गया। और ये इतना स्पाइसी हुई मिर्चा चढ़ गई हैं। और इसके अंदर हम डालेंगे जो है 1 टीस्पून सूखी मेथी, ऐ देखो जी ये। और अब इसको हम करेंगे मिक्स, और ये बन रहा है मैरिनेशन के लिए सामान। कर लिया इसको अच्छे से मिक्स। अब हम लेंगे 2 लेमन, हमारे अपने जी मेरे बड़े भाई के फार्म के लेमन हैं, और इनको हम करेंगे बीज इनके निकाल लेंगे, और इनको कर देंगे इसमें ऐसे। वाह जी वाह, देखो माशाल्लाह। सही कहते थे ना अली भाई, सही कहते थे जी, कहते थे जूस से भरे हुए हैं। इसको हम ऐसे स्क्वीज करेंगे ताकि जो बीज हैं हमारे हाथ में रहें, बीज जो हैं वो ना जाएं उसके अंदर। और ऐसे ही हम दोनों जो है नींबू ऐसे इसको स्क्वीज कर लेंगे। और देखो जी
तैयार हो रहा है दही वाला चिकन बनेगा आज। जबरदस्त नई रेसिपी है, जरूर बनाइएगा। ये बनाएंगे और हम खाएंगे। हाँ जी, इन्होंने ना जो चूल्हा है ना, चूल्हा उसके ऊपर किया हुआ है कब्जा। हाय हाय, यही रेसिपी बनाएंगी। मेरी घर इंग्लैंड जाके मैं क्यों उठे आहो, देखो क्योंकि ये ना जब से हम आए ना इन्हें मुझे करा रहे आराम, क्योंकि इन्होंने जाके करना भी उधर बड़ा काम हो नहीं, इन्होंने वहां जाके घर माशाल्लाह अपना सेट करना है, बड़े काम है इनके करने वाले, वहां ताकत होएगी। इतों से इतना जाएंगे तो उधर जाके कुछ करेंगे ना। आहो, उधर भी आ जा फिर मेरे नाल है उधर, अगर एडी तो आराम करांडी तो उठे आ। हां हाय, इथे तो पक जाएगी हंडी। हेलो, हांडी तो कहीं भी पक सकती है। आहो, हांडी पकानी है बस, जिन्हें खानी होए ना वो कुछ भी पका के खा सकता है, खासकर खाने का शौकीन हो। तुसी मेरी रेसिपी खराब कर छड़नी है। अब इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून ऑयल, ऐ देखो जी 1 2 डल गया, ऐ हो गया अच्छे तरीके से। ऐ देखो जी मैरिनेशन, मुझे रिक्वेस्ट आई है कि जो है रोस्ट चिकन चूल्हे पे बनाना सिखाएं, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी जो है वो यही होगी। अब चिकन लेंगे, चिकन मुर्गा ऐसे जी धो के, मैं तो नहीं धोता, धोया लीना जी ने है, तो आहो जड़ा बैग ते बिठाया ही अगर धो के शक्ल बहा दे हां, उसने ये धोया है, चिकन धोया है, फिश धोई है, माशाल्लाह से टीम वर्क है जी, टीम वर्क। शुरू की इत्तेफाक से काम हो जाए उसी में बरकत है, तो मिलजुल के काम करना चाहिए वैसे भी, क्योंकि नाइस लगता है, पूरी पूरे सारे बंदे इन्वॉल्व होते हैं तो इन्जॉयमेंट हो जाती है। तो हम और हमारा किचन, अम्मी हलीमा का किचन जिंदाबाद माशाल्लाह से। ऐ देखो जी नाइस मैरिनेशन हो गई है, आपको नज़र आ रही होगी। अब हमने इसको रख देना है तकरीबन 2-3 घंटे के लिए। भाई इतनी मुर्गियाँ जड़ियाँ ना थोड़ी सख्त ने, यूके बच्चे चिकन चूजे 1 घंटा मैरिनेट करके रखें तो मसाला जो है हर फंस जाता है, इधर थोड़ियाँ ढीठ मुर्गियाँ ने इन्होंने मसाले से ज़्यादा देर रखना पड़ेगा। ठीक हो गया, ये देखें जी जूम इन करके दिखाते हैं आपको, तैयार है। और अब जी हम करेंगे, तुसी कहना है कि ये बाल नहीं है, ये जो मैंने डाला था ना अभी, क्या कहते उसे मेथी के पत्ते, ये टहनी जे वो बचा हुई जी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू मी हलीमा का किचन। और जो चिकन हमने मैरिनेट कर रखा था, मैरिनेट जी, उसको 2 घंटे हो चुके हैं। पैन लेंगे, पैन में डालेंगे हम तकरीबन 5 टेबलस्पून ऑफ ऑयल, और इसमें हम अब ऐड करेंगे अनियन यानी कि प्याज, ऐड करेंगे जी हम प्याज तकरीबन नहीं, आपने 2 बड़े प्याज या 3 स्मॉल साइज के जो प्याज हैं ना वो हमने करने हैं गोल्डन ब्राउन। डालिए प्याज और बस, ये 2 बड़े वाले या 3 मीडियम साइज के जो प्याज है, 1 kg जो है वो है चिकन जो कि हमने मैरिनेट करके रखा हुआ है, तो इसको करेंगे जी हम गोल्डन ब्राउन जी। जब प्याज हो जाए इतना गोल्डन ब्राउन, ऐड करेंगे हम इसमें 1 टेबलस्पून जो है जिंजर की गार्लिक की सॉरी लहसुन की पेस्ट, जिंजर एंड पे डलेगी, अभी हमने लहसुन की पेस्ट डाली है 1 टेबलस्पून, और इसको भी हम ऐसे बिल्कुल अब मीडियम आंच कर लेंगे, हल्की, बिटवीन मीडियम एंड हल्की आंच के दरमियान, और इसको हम जो है गोल्डन ब्राउन करेंगे जी। ये बन रहा है वाइट चिकन, वाइट मसाले वाला चिकन, जो चिकन मैरिनेट हमने किया था। अब हम जो है गार्लिक के साथ प्याज को थोड़ा सा कुक करेंगे और ऐड करेंगे जी बाकी का जो है चिकन जो हमने मैरिनेट किया था वो अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें जी जितना भी चिकन मैरिनेट किया था दही समेत, इसमें टमाटर नहीं डलेंगे, ये अब हम इसको दही में ही ये मीडियम आंच पर इसमें हम इसको कुक करेंगे। और ये इजी टू मेक है, ज़बरदस्त बनता है, आपने ज़रूर बनाना है और मुझे बताना है कि जी आपका जो था ये चिकन कैसे बना इंशाल्लाह ताला। और ये नान के साथ, चावलों के साथ, या आप इसकी जो है उसको बिरयानी भी बना सकते हैं अगर आप इसमें शोरबा करना नहीं चाहते तो। अभी हम आँच कर लेंगे थोड़ी सी तेज़, और अब हम इसकी करेंगे जी अच्छी तरह से इसको पकाएंगे, और जो प्याज हैं इसी में अब ये सारे घुल जाएंगे, दही के वाले मसाले में प्याज सारे
जो है कुक हो जाएंगे जी, इनकी भी पेस्ट बन जाएगी इंशाल्लाह ताला। तो चले अभी हम इनको कुक करेंगे ढक्कन के बगैर तकरीबन 2 मिनट के लिए, तेज आंच पर ढक्कन के बगैर कुक करेंगे और आपको मिलते हैं 2 मिनट के बाद। देखिए जी माशाल्लाह से ज़बरदस्त जो है पक रहा है, हमने 2 मिनट इसको है पका लिया है ऐसे ही मसाले में। और अब हम इसको मीडियम आंच पे ढक्कन देके हम इसको रख देंगे तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए, बिल्कुल मीडियम लो हीट में, जिसको कहते हैं लो हीट पर, ताकि ये लो हीट में ही गलेगा और जो है मसाले का जो टेस्ट है सानू सही चिकन च ता ही मिलेगा। ये तुसी इनू स्टीम में एक किस्म का जो है हमने इसको कुक करना है। ये देखिए अब हम कर देंगे आंच बिल्कुल इसकी लो, थोड़ी गैस ना बंद हो जाए भाई, पता ही ना चले गैस बंद हो गई है। ये हाल है पाकिस्तान में, सुबह 9 बजे से लेके 12 बजे तक गैस बंद थी, आई है तो माशाल्लाह से हंडिया पकी है। और ए देखो जी ज़बरदस्त, और इसका दे देंगे हम ढक्कन और आपको मिलेंगे इंशाल्लाह ताला 12 मिनट तक। ढक्कन कितने गया जी, ए देखो जी, और चले मिलते हैं थोड़ी देर में इंशाल्लाह। इसको हमने तकरीबन 12 मिनट हो गए हैं, 12 से ज़्यादा ही हो गए, तकरीबन 15 मिनट मीडियम आंच पे जो है लो हीट पे पकाया था। अब हमने आग कर दी है जी इसकी तेज़, और अब क्योंकि हम भूनेंगे इसको, और ये देखें पानी चिकन का अपना पानी, दही भी था उसका भी, और अब जो है इसको हम ऐसे ही माशाल्लाह से गोश्त नाश्ते गल गया है बगैर लिड दिए ही, अब इसको अच्छी तरह से पकाएंगे। माशाल्लाह से पानी भी सारा हो गया है इसका ड्राई, आप देखें जो है हंडिया में तेल छोड़ना शुरू कर दिया है। अब हम इसकी भुनाई करेंगे, इतनी भुनाई करेंगे कि जो है अनियन भी हैं वो भी नाइसली जो है कुक हो जाए, पेस्ट बन जाए उनकी। और ऑलमोस्ट की बन चुकी है, पर भुनाई में ये होता है कि मसाला जो इक्वल हो जाता है सारा एक जो है हो जाना चाहिए। तो बस अब हम इसको भूनेंगे 5 मिनट लगातार। जब हम इसको भून रहे हों ऐसे नाइसली, देखिए माशाल्लाह कैसे की शक्ल इसकी ये बिल्कुल ऐसे दिखनी चाहिए। हम लेंगे 3 हरी मिर्चें फाइनली चॉप करके, हरी मिर्चों के साथ जो है अब हम इसकी थोड़ी सी भुनाई करेंगे जी। तो नीचे नहीं लगना चाहिए आपका, बस नॉन स्टिक में पका रहे हैं, अगर आप स्टेनलेस स्टील में पकाएं तो ध्यान रखें कि जलना नहीं चाहिए। ये देखो जी हरी मिर्चें डाल के थोड़ी सी भुनाई जो है हमने कर ली है। अब हम देंगे हल्की क्रीम, आग जो है आँच हल्की कर लेंगे बिल्कुल मीडियम, हलीम और पर की जो होती है ऐ देखो जी क्रीम होती है ये हमने ऐ शामिल करनी है जिसके अंदर। ऐ देखो ऐसे सारी जो क्रीम, एक कार्टन पूरा नहीं, आपने आधे से जो है 3/4 जो है आपने इसके अंदर जो है ऐड करना है। ऐ देखो जी, तो और इसको हम अब हल्की आंच पे बिल्कुल मीडियम आंच पे हमने है इसको पकाना। ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कि आपकी ये रेसिपी जो है कैसी बनी, ज़बरदस्त बनती है नान के साथ, रोटी के साथ, तंदूरी पराठे के साथ, घर वाले पराठे के साथ जो है हम खा सकते हैं। तो ये देखें कलर अब इसका आप नज़र आ रहा होगा, कलर थोड़ा सा वाइटिश हो गया है, बिल्कुल लो हीट पे हमने अब इसको पकाना है, बिल्कुल लो हीट पे 3 से 4 मिनट बिल्कुल लो हीट पे पकाना है, और ऐसे ही बस चम्मच जो है हिलाते जुलाते रहना है। ज़बरदस्त जी हमारा जो है वाइट क्रीमी जो है चिकन तैयार है, देखें इसमें टमाटर भी नहीं डले, बगैर टमाटरों के इसकी ग्रेवी चेक करें ज़बरदस्त है ये। अब हम करेंगे इसको गार्निश, गार्निश करेंगे जी हम धनिया लेंगे, हरी मिर्चें बिग जो है लार्ज साइज़ में, आपने लार्ज मतलब कि एक चिली के हरी मिर्च के 2-2 पीस कर लेने हैं आपने। गरम मसाले का हमने बिल्कुल जो है इस्तेमाल नहीं किया था, अभी हमने फाइनली जो है अदरक चॉप की थी, फाइनली अदरक एंड पे डलेगी बिल्कुल एंड पे अदरक आपने जो है ऐसे डाल के। अब हम डालेंगे 1/2 चम्मच गरम मसाले का और इसको लगाएंगे दम। ये देखिए जी हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून गरम मसाले का, इसको लगा देंगे 5
मिंट के लिए दम, और ये हमारी वाइट कैरी, ये वाट कैरी थी, वाइट चिकन कढ़ाही भी बोल सकते हैं इसको, आप वाइट कोरमा भी बोल सकते हैं इसको, आप वाइट चिकन का जो है सालन भी कह सकते हैं। तो ऑल इन वन जी बस माशाल्लाह से रेडी है, और इसको हम लगा देंगे दम 5 मिनट के लिए। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। मैं हलीमा का किचन मिलूंगी अपनी नई, आपको अपनी नई रेसिपी के साथ इंशाल्लाह तआला। रखिएगा दुआओं में याद। जज़ाकअल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।